तो ये श्रृंगी प्रकाश और भृंगी प्रकाश, पहले उनका नाम क्या था, महर्षि श्रृंगी महर्षि भृंगी, मामी नाम क्या था, श्रृंगीनाद भृंगीनाद, मामी नाम क्या हो गया, श्रृंगी प्रकाश भृंगी प्रकाश, अभी नाम क्या हो गया, श्रृंगी प्रसाद भृंगी प्रसाद। ये जो श्रृंगी प्रसाद भृंगी प्रसाद है, श्रृंगी से लेकर श्रृंगी प्रसाद तक, भृंगी से लेकर भृंगी प्रसाद तक, ये जो है ये दोनों हमारा जो ऊपर का चक्र है अनाहत चक्र, इसके स्वामी कौन है, परमेश्वर जी, उनके ये जो दो सहायक है श्रृंगी प्रसाद और भृंगी प्रसाद, ये हमारे तीन चक्रों की रक्षा करने के लिए होते हैं। हमारे तीन चक्रों में जो भी डिफिकल्टी उत्पन्न होती है वो दूर करने के लिए इन तीनों चक्रों में शिवजी के दो खास सहायक सेनापति कार्यरत होते हैं। लेकिन कब होते हैं कार्यरत, जब उन्हें एंट्री करने के लिए हम लोग अलाउड करें तभी, यानी उन्हें एंट्री करने के लिए, वहाँ प्रवेश करने के लिए हम लोग सम्मति दे, मान्यता दे तभी। ये मान्यता कैसे दी जाती है, ऐसे बोले थे वो श्रृंगी महाराज वो भृंगी महाराज आशा नहीं, इससे नहीं आएंगे, इसलिए क्या करने पड़ते, श्रृंगी प्रसाद भृंगी प्रसाद ने क्या किया था, गलत चीज हाथ से घड़ी थी, ऐसा समय उनके जीवन में आया था सचमुच, उन्हें लग रहा था कि ये सब अन्याय हो रहा है, भगवान को छोड़ के चले गए थे, लेकिन जैसे भी भगवान नहीं उनके भगवान नहीं त्रिविक्रम नहीं उन्हें सही रास्ते पर लाया, और उससे यानी उससे हमें क्या सीखना है कि हमारे जीवन में सिर्फ हमें बोलो विश्वास असावा पुरता करता हरता गुरु ऐसा, क्योंकि राम बीज ये जो बीज है ये जैसे राम का है वैसे ही राम बीज ये ह्रीम बीज का भी पार्ट है जो माँ का बीज है, ओम ह्रीम राइट, ओम ह्रीम ये माँ का मंत्र है राइट, वो राम जो है ह्रीम बीज का भी पार्ट है, वैसे ही ये गुरु बीज का गुरु मंत्र का भी बीज है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, गुरु मंत्र का बीज राम है, हर एक गुरु मंत्र का बीज राम ही होता है, समझो आज तक 100 पीढ़ियाँ 10 लाख पीढ़ियाँ हो गई हो, कि शिष्य अगर अच्छे भाव से ले रहा है तो उस हर एक गुरु मंत्र का बीज कौन सा है, राम ही है, समझे, हर एक गुरु मंत्र का बीज राम बीज ही है, इसीलिए वो क्योंकि वो गुरु के साथ कनेक्टेड है,